Hey guys, hello friends. बच्चों सब लोग ऑनलाइन आ जाइए. वेलकम टू द इंस्टा सॉल्व. और सब लोग ऑनलाइन आ जाइए फटाफट से. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है सबका? सब बढ़िया? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आवाज़ क्लियर है? हेलो बेटा, हेलो विनोद, फटाफट से बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है. मैंने माइक को थोड़ा नीचे रखा है ताकि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना आए, इसलिए आवाज़ क्लियर है मेरी? वॉइस इज़ क्लियर? यस, ओके, नो? क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रभा बेटा? यस मैम, योर वॉइस इज़ क्लियर. ओके फाइन, तो वॉइस क्लियर है. फटाफट से अब शुरू करते हैं क्लास को. आपको टॉपिक क्या दिख रहा है ऊपर? क्या दिख रहा है आज टॉपिक आपको? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है कि भाई कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, समझ ही नहीं आता है. सेम सेम से नाम लगते हैं, कुछ क्लियर नहीं होता है. ओके, पता नहीं चलता कि भाई क्या डिफरेंस है बेसिकली कन्वेक्शन में, कंडक्शन में, रेडिएशन में. अच्छा, क्या कॉमन चीज़ है तीनों में? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फटाफट से ये बताइए कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है. गाइस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या चीज़ कॉमन है? क्या कॉमन चीज़ है बताएंगे? हाँ जी, फटाफट से बताइए. हेलो बेटा, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आते जाइए, अभी हमने क्लास शुरू नहीं की है. नो मैम, नो साउंड कमिंग, नो साउंड कमिंग. बेटा मेरी साइड से तो साउंड जा रही है. अब बाकी बच्चे बता दीजिए साउंड क्लियर है कि नहीं है. क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए साउंड इज क्लियर और नॉट. बताइए फटाफट बच्चों, इज द साउंड क्लियर? क्लियर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड चिराग, थैंक यू, थैंक यू सो मच. चलिए अब शुरू करते हैं. कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में सबसे पहले मुझे आपको आपको मुझे बताना है कि क्या कॉमन चीज़ है. क्या चीज़ कॉमन है तीनों में बेटा? क्या चीज़ कॉमन है तीनों में? तीनों ही क्या है? हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं. तीनों ही हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं और आज हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ने वाले हैं. फाइन, तो जल्दी से शुरू करते हैं. सब लोग अपनी कॉपी किताब पकड़ लीजिए, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, तो एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं. पहली चीज़ ये है कि आपको YouTube चैनल इंस्टा सॉल्व को सब्सक्राइब करना है अभी जाकर फटाफट से. तो फटाफट से YouTube पर इंस्टा सॉल्व जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करिए जल्दी से. और उस चैनल को सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. तो इंस्टा सॉल्व चैनल को आपको इसलिए सब्सक्राइब करना है बिकॉज क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी ना यहाँ पर, कोई भी नया कंसेप्ट आएगा, आपको YouTube पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो YouTube पर सबसे पहले इंस्टा सॉल्व को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. इससे क्या होगा, इससे आपको कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. क्लियर? सो किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो फटाफट से इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम अगर हमें कोई डाउट आता है तो क्या करें? तो दो चीज़ें हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना डाउट लिख के हमें दे दीजिए. ठीक है, आप डाउट लिखिएगा, विल रिप्लाई यू के वॉट एवर आपका जो भी डाउट है, हम उसको आपका डाउट एज सुन एज पॉसिबल आंसर करेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव अ टेलीग्राम चैनल टू. हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारी क्विजेज, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी. आपको कोई भी डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं. सो गाइज, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है. यूट्यूब का जो इंस्टा सॉल्व का लिंक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो फटाफट से जाइए, चैनल को ढूंढिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. क्लियर है? अब शुरू करते हैं ये सब बातें ख़त्म करके कि भाई हमने आज पढ़ना क्या है. हमने आज पढ़ना है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन. अच्छा, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन
तीनों ही पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं और उस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है? तो अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में कॉमन क्या है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, लास्ट में इसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। क्लियर? तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इस चीज़ का आंसर आपको एंड में मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले टू बाउल्स। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो भाई एक्टिविटी को किसी बड़े पर्सन के साथ करिए। कभी ऐसे नहीं है भी अकेले चले गए और कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फायर इन्वॉल्व है या फिर आप कुछ हीट कर रहे हैं या फिर करंट इन्वॉल्व है, कभी भी ऐसी एक्टिविटी को अकेले नहीं करना है। ओके, सो दो बाउल्स लेने हैं। और क्या चाहिए हमें? दो बाउल्स तो ले लिए हमने, और हमें चाहिए बॉइलिंग वाटर। ओके, अब बॉइलिंग वाटर कहाँ से आएगा? बॉइलिंग वाटर अगर हमें चाहिए तो भाई मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। विदाउट किसी भी एल्डर की हेल्प के बिना आपको ये काम नहीं करना है। तीसरी चीज़ चाहिए आपको नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर आपके पास आ गया। और चौथी चीज़ आपको चाहिए एक स्पून। क्लियर? चलिए, ये छोटी सी दो तीन चीज़ें हैं, घर पे मिल जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं से हम समझ जाएंगे सारी चीज़ों को, इन्हीं से हम समझेंगे कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन किस तरह हमारे पूरे हम ही कह सकते हैं कि जितने भी सिस्टम्स यहाँ पर हो रहे हैं, जितने भी हवा चलती है, क्यों चलती है, सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं एंड में। ओके, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दो बाउल्स लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में पानी भर लिया है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। अब ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है अभी, इसको हम वन बाय वन करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, एक बाउल लीजिए, उसमें पानी फिल कर दीजिए। तो बाउल ले लिया, पानी फिल कर दिया, नॉर्मल वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बाउल के साथ क्या करना है आपने, आपने इस बाउल को उठाना है और बालकनी में ले जाके रख देना है। क्लियर? सो इस बाउल को आपको उठाकर बालकनी में ले जाकर रखना है। तो ओके, बाउल को आप लेके गए और देखिए कितनी सुंदर सी बालकनी है और उस बालकनी में बाउल को रख दिया है। क्लियर? आपकी बालकनी भी इतनी ही सुंदर होगी, आप अपनी बालकनी में जाइए और इस बाउल को रख दीजिए। अच्छा, और क्या करना है, उसके बाद मम्मी को बुला के लाइए और फटाफट बोलिए कि मम्मी जी पानी गर्म कर दीजिए, मुझे दूसरे बाउल में गर्म पानी चाहिए। ओके, तो दूसरे बाउल को गर्म पानी से फिल कर लीजिए। फाइन, सो अब हमने दो बाउल ले लिए हैं और एक बाउल में हमने नॉर्मल वाटर रखा, उस बाउल को हमने पुट कर दिया है कहाँ पर, बालकनी में। ओके, दूसरा हमने बाउल लिया है और उस बाउल में हमने गर्म पानी डाल दिया। ओके, यहाँ तक तो हो गया, दोनों काम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा काम हमने क्या करना है, मेटलिक स्पून लेना है, चम्मच जिसको बोलते हैं, चम्मच। चम्मच तो सबके घर पे होता है ना, और मेटल का स्पून नहीं मिल रहा जी, क्या करें, कोई भी मेटल की चीज़ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल की कोई भी आपको चीज़ उठानी है और उसको जो गर्म वाला बाउल है ना उसके अंदर डाल देना है। क्लियर? कितनी देर के लिए? 3 से 5 मिनट के लिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, जो जो गर्ल्स यूजुअली खाना बनाती हैं, बॉयज़ यूजुअली कम बनाते हैं, वैसे बॉयज़ को भी बनाना चाहिए, बट आपने फील किया होगा कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो जो कड़छी होती है वो कड़छी गर्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, है ना? तो थोड़ी देर बाद गर्म तो हो जाती है, पर क्यों होती है वो अभी समझेंगे क्यों होती है। और जिस तरह से वो कड़छी गर्म हो जाती है, उसी तरह से गर्म पानी में डाला हुआ ये चम्मच भी थोड़ी देर में गर्म होने वाला है। आपने 3 से 5 मिनट अगर इस चम्मच को गर्म पानी में डाला तो भाई चम्मच हो गया गर्म, स्पून गर्म हो चुका है। ओके, चलिए यहाँ तक भी हो गया। अभी हम एक्टिविटीज़ जो ये हम कर रहे हैं, ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, इनका लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, अभी देखना। चलिए, ये देखिए क्या कर रखा है, बाउल बहुत ही गर्म, धुआं निकल रहा है बाउल में से, और गर्म गर्म बाउल में से आपने क्या कर रखा है, स्पून इंसर्ट कर रखा है, स्पून रखा हुआ है, और 3 से 5 मिनट रखेंगे तो पता है क्या होने वाला है, ये स्पून गर्म हो जाएगा।
ऐसा ही होता है कड़छी के साथ भी, जब आप सब्जी बना रहे होते हो तो भाई आप कड़छी को निकाल के रखते हो। जो लड़कियां खाना बनाती हैं या जो लोग भी खाना बनाते हैं उनको पता है कि जब आप सब्जी बना रहे होते हो और मान लो आपको 5 मिनट के लिए बैठना है जाके, तो आप उस कड़छी को निकालेंगे और साइड पे रख देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बीच में छोड़ने से क्या होता है कि बीच में छोड़ने से वो जो कड़छी है या वो स्पून है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, और फिर बाद में हमें इतना गर्म लगता है कि हमें फिर कपड़े से पकड़ना पड़ता है उसको। क्लियर? तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, स्पून हो गया है हमारा गरम, 3 से 5 मिनट लगे स्पून गरम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब आपको स्पून को टच करके देखना है। स्पून को टच करके आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये स्पून गरम है या ठंडा है। मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता है कि स्पून क्या होने वाला है। स्पून कंप्लीटली गर्म हो जाएगा, है ना, स्पून जो है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर है? स्पून अगर हमारा गर्म हो गया तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रख लिया कि चलिए आपने क्या किया है, एक बाउल लिया है, बाउल में जब स्पून को डाला तो स्पून जो है वो हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पून आपका गर्म हो चुका है। अब एक चीज़ आपको और करनी है, आपको चेक करना है कि जो बाउल है बाउल के ऊपर आप हाथ अपना टच करके, या फिर बाउल के ऊपर ऊपर टच नहीं करना है बाउल को, बाउल के ऊपर रखिए हाथ को। तो बाउल के जब आप अपन बाउल के ऊपर रखेंगे हाथ को तो आपको कैसा फील होगा, हॉट या नॉर्मल, जल्दी से बताइए। आपको बाउल के ऊपर हॉट फील होगा या नॉर्मल फील होगा? ऑब्वियसली हॉट फील होगा, है ना। हम कहते हैं भाई धुआं ऊपर आ रहा है, बहुत गर्म गर्म है, ऊपर गर्म लगता है, तो ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, साइड पे रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सब हमारी हैं ऑब्जर्वेशंस, ये हमने काम कर लिया है। अब फटाफट से ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया हमने। अच्छा एक चीज़ तो रह गई हमारी, क्या चीज़ हमारी रह गई है, बालकनी वाला। बालकनी वाला तो हम भूल ही गए, बालकनी में भी तो रख के आए थे बाउल को, उसको उठा के लेके आए। अच्छा उसको उठा के लेके आएंगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि बालकनी वाला पानी भी गर्म हो गया है। पहले तो इतना गर्म नहीं था, पर अब थोड़ा सा कोसा बोलते हैं हिंदी में, तो थोड़ा सा लूक वार्म वाटर टाइप हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो गया है, रिलेटिवली हॉट है, बहुत नॉर्मल नहीं है। तो 3 चीज़ों के आंसर हमें मिल चुके हैं। पहली चीज़ कौन सी, स्पून, स्पून कैसा था, स्पून हो गया है हॉट। दूसरी चीज़ अगर आपने पाम रखा ऊपर तो वो भी हो गया है हॉट। और तीसरी चीज़ बालकनी में जब आप गए तो भी वाटर हो गया है हॉट, रिलेटिवली हॉट। क्लियर? तो तीनों चीज़ों, तीनों तरीकों से क्या हो गया है, पानी गर्म हो गया है, स्पून गर्म हो गया है, या अल्टीमेटली हम चीज़ों को गर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो चीज़ों को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई मेटलिक स्पून हुआ हॉट, ओके, एयर पार्टिकल्स नियर द हॉट वाटर वो भी हो गए हॉट, और हमारे हाथ में गरम गरम फील हो रहा है। क्लियर है? दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि जो आपने सन के नीचे जाके बालकनी में सूरज के नीचे रखा था, क्या इतनी गर्मी है आजकल, तो भाई इतनी गर्मी है आप 5 मिनट भी रख के आ जाइए सन के नीचे एक बाउल को पानी को, और बाउल को रखने की क्या ज़रूरत है। टंकी का पानी कैसा होता है दोपहर के टाइम, ये बताओ, टंकी का पानी कितना गर्म होता है ना, तो टंकी का पानी ही इतना गर्म हो जाता है ऊपर। तो भाई ना तो मैंने ऊपर मेरी टंकी के नीचे गैस जलाई थी, है ना, ना मैंने गैस जलाई, ना मैंने उसको क्या बोलते हैं रॉड लगा के गर्म किया है, फिर भी वो पानी बड़ा गर्म हो जाता है। तो हम बोलते हैं भाई सन ने कर दिया गर्म, सूरज जो है वो बहुत गर्म है और वो वहाँ से गर्म करता है किसको, हमारी टंकी के पानी को, है ना। इसी तरह से उसने हमारे बाउल के पानी को भी गर्म कर दिया है, तो हमारा बाउल भी जो है वो बालकनी में जब आपने रखा तो उसका पानी हो गया है गर्म। क्लियर? क्या सबको क्लियर है? अगर आवाज़ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो फटाफट से बता दीजिए, और अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ जी सब कुछ क्लियर है, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। ओके विनोद बेटा, वेरी गुड, क्लियर है। ओके मनु को क्लियर है और अंकित को क्लियर है। चलो इसका मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन्स की तरफ, क्योंकि वहीं से हम सीख पाएंगे कि भाई अभी तक ये जो कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे, और इससे क्या सीखने को मिल रहा है, और इससे कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन का क्या रिलेशन है। ओके तो इनको, इस चीज़ को समझने के लिए हमने ऑब्जर्वेशंस हमारी नोट कर ली हैं। ऑब्जर्वेशंस अगर आपने नोट कर ली हैं कि ये तीनों चीज़ें गर्म हो गई हैं, तो अब समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्यों गर्म हुई हैं। फाइन,
तो सबसे पहले एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि देखिए जो भी स्पून था, यहाँ पे मैं स्पून बनाने की कोशिश करती हूँ, ये कुछ इस तरह से हमारा स्पून होता है ना। अज्यूम कर लीजिए कि ये स्पून है, और स्पून को अगर आपने यहाँ पर बाउल में डाला है, ओके, इफ़ दिस इज़ द बाउल और यहाँ पर हॉट वाटर है, तो हमें पता है कि जो स्पून है उसका जो एंड ये वाला है, यहाँ पर दिस एंड विल बिकम हॉट फर्स्ट, ये पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ये गर्मी आगे की तरफ जाएगी और लास्ट तक पूरा स्पून गर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लोअर एंड पार्टिकल्स ऑफ द स्पून गेट्स हीट फ्रॉम द वाटर। वाटर, भाई वाटर तो बहुत गर्म था, उबलता हुआ पानी आपने लिया और उसमें स्पून डाला, तो उससे क्या हुआ कि ये स्पून जो है ये हीटअप हो गया, ये स्पून जो है ये गर्म हो गया। अब स्पून गर्म हो गया तो इससे क्या हुआ, स्पून गर्म होने से स्पून का पहले लोअर एंड हीटअप हुआ, पहले लोअर एंड हीटअप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अपर एंड तक स्पून जो है वो हीटअप हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, नो मटीरियल पार्टिकल मूवमेंट अकर्स, यहाँ पर कोई भी मटीरियल पार्टिकल मूवमेंट अकर नहीं हुआ। मतलब कहने का ये है कि आपने स्पून को डाला है किसमें, आपने स्पून को वाटर में डाला है, तो भाई स्पून के पार्टिकल उठकर थोड़े चले गए हैं पीछे, ऐसा नहीं हुआ। स्पून के पार्टिकल्स, स्पून के मॉलिक्यूल्स तो वहीं पर ही हैं। स्पून का अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये बाद में भी इधर ही प्रेजेंट है, ये हीट होने के बाद इधर उठ के नहीं चला गया, जो आपको पीछे से स्पून के पीछे गर्म लग रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ये यहीं पर है और ये पीछे चला गया, जो हीट है वो पीछे चली गई, ऐसा क्यों हुआ? दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ये कंडक्शन से गर्म हुआ है, ऐसा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब कंडक्शन हो रहा है, ओके, बट क्या हो रहा है कंडक्शन में, एक्चुअल में हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पर जब ये गर्म हो रहा है, ये पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं कह सकते हैं स्पून के, ये जब हीट अप हो रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि पीछे तक हीट चली जाती है? इस प्रोसेस को तो मैंने कंडक्शन बोल दिया, ओके। और इसके साथ मैं आपको दो तीन कीवर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कब कंडक्शन होता है, कब कन्वेक्शन होता है, कब रेडिएशन होता है। क्लियर है? तो अगर यहाँ तक क्लियर है फटाफट से बता दीजिए कि मैडम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट बेटा, क्लियर है? रिप्लाई रिप्लाई फटाफट से, क्लियर मैम, क्लियर संजू, संजू अलोन बॉय, बेटा इतने अकेले हो आप, ओके। निशा रानी, नेवर बेंड डाउन, भाई नाम देखो कितने शानदार हैं, निशा रानी नेवर बेंड डाउन, सो क्लियर है इनको भी। और तुम अंकित, मिस्टर अंकित को क्लियर है, शिप्रा को क्लियर है, नवीन वर्मा, वेरी गुड, ओके फाइन। तो बेटा अगर आप सबको क्लियर है तो ये समझ में आ गया कि ये प्रोसेस तो है कंडक्शन का, स्पून गर्म हो रहा है, करछी गर्म हो रही है, बर्तन गर्म हो रहा है, कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, तो ये क्या है, ये है आपका कंडक्शन। बट ये होता कैसे है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में कंडक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि होता क्या है कंडक्शन, और आपको कैसे याद रहेगा हमेशा कि ये कंडक्शन है कैसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ओके। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, मेरे पास कैंडल पड़ी थी बट मैं अभी जलाने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। देखिए ये कैंडल है, मैंने फोटो डाल दी इसलिए, तो ये कैंडल है और कैंडल जो है ये हीटअप हो रही है, और देखिए यहाँ से कलर जो है इस तरफ रेड होता चला जा रहा है। इसका मतलब यही है कि कैंडल ने क्या किया है, कैंडल ने इसको हीट कर दिया इस रॉड को, और ये रॉड डेफिनेटली अगर मेटल की है तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगी, बाकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, एनीवेज ये रॉड जो है हीटअप हो गई है, ओके। अब ये हीटअप क्यों हुई, इसके हीट होने के प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं, ओके। इस पोर्शन को जूम इन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो रॉड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनके साथ क्या हो रहा है ऐसा, ओके, उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, उस चीज़ को समझते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये वही रॉड है, ओके। अब ग्लास की भी हो सकती थी, किसी भी चीज़ की हो सकती है रॉड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, बट हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है फ्लेम, ओके, ये है फ्लेम, और इस फ्लेम ने क्या किया, ये रॉड को के पार्टिकल्स को गर्म कर दिया, हीटअप कर दिया। अब हीटअप होने से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने से इनके पास आती है काइनेटिक एनर्जी,
और जैसे ही इनके पास आती है काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि इधर हमारी चल रही है क्या, फ्लेम, ओके, सो अगर यहाँ पर फ्लेम चल रही है तो ये पार्टिकल सबसे पहले हीटअप होगा, क्योंकि इधर फ्लेम चल रही है तो भाई ये पार्टिकल फ्लेम के पास में है, तो ये पार्टिकल हीटअप हुआ, वाइब्रेशन स्टार्ट हुई क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है पार्टिकल के पास, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो ये पार्टिकल जाके टकराएगा इससे, ओके, और जब ये इससे टकराएगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और ये पार्टिकल भी हीटअप हो जाएगा, ओके, एनर्जी आ जाएगी और ये एनर्जी देगा बगल वाले पार्टिकल को, इससे टकराएगा, फिर इस तरह से ये ट्रांसफर होती चली जाएगी, इस पार्टिकल ने इसको एनर्जी दी, इस पार्टिकल ने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। एक चीज बताइए कि क्या यहाँ पर पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है, क्या ये जो पार्टिकल है ये ऐसा हुआ कि इस पार्टिकल ने हीट को उठाया और लेके चल दिया, ऐसा कुछ हुआ कि इस पार्टिकल ने हीट को उठाया और लेकर यहाँ चल दिया, ऐसा नहीं हुआ ना, क्या हुआ, पार्टिकल वही वहीं पर बैठा है बट काम कर दिया इन्होंने, काम क्या किया इन्होंने, इन्होंने हीट पहुंचा दी वहां तक, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, अगर आप अपने घर पे बैठे हैं और अगर आपको जैसे यूजुअली लेडीज़ को बोला जाता है कि एक घर में कोई बात होती है और वो बात सब तरफ पहुंच जाती है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि एक लेडी ने दूसरी लेडी को बात बताई, दूसरी लेडी ने तीसरी लेडी को बात बताई, तीसरी ने चौथी को बताई, चौथी ने पांचवी को बताई, और इस तरह छठी सातवीं आठवीं लेडी तक बात पहुंच चुकी है, तो फर्स्ट लेडी खुद उठ के तो गई भी नहीं उस आठवीं लेडी को बात बताने, है ना, और लेकिन उसने अपनी बात पहुंचा दी वहां तक, उस एट्थ लेडी तक उसने अपनी बात पहुंचा दी है। अब वो कैसे पहुंचाई, क्योंकि उसने एक लेडी ने दूसरी लेडी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, तीसरी ने चौथी को बताया, और बताते टाइम क्या बोल दिया, किसी को मत बताना, है ना, ऐसा ही होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं किसी को मत बताना तो वो पक्का जाके बताता है। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है और इसने हीट इसको दी, इस पार्टिकल ने हीट इसको दी, इसने इसको दी, और इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो गई एंड तक। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट पार्टिकल मूवमेंट, तो हम कंडक्शन में लिख सकते हैं यहाँ पर नो पार्टिकल मूवमेंट, no particle movement, clear, कोई particle movement नहीं है फिर भी heat transfer हो रहा है because of vibrations, kinetic energy मिल रही है, kinetic energy मिलने से क्या हो रहा है, energy transfer हो रही है, so यहाँ पर heat energy transfer हो रही है, तो ये first method है heat energy transfer का। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने सीखा कि भाई हम तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र के मेथड्स पढ़ रहे हैं, हीट की हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी यहाँ से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो गई, कैसे हो गई, थ्रू कंडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ओके, सो पहला मेथड हमने क्या पढ़ा है, कंडक्शन, और इसी के साथ आपको एक आंसर मिल चुका है क्वेश्चन का जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, क्या क्वेश्चन था कि भाई तीनों में कॉमन क्या है, तो यहीं से मैं बता देती हूँ कि तीनों में कॉमन यही है कि हम तीनों में ही हीट ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्लियर, क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से, एक अच्छा सा फीडबैक दे दो, क्या क्लियर हो गया कंडक्शन के, कंडक्शन में क्या हो रहा है, यस मैम, हरमनदीप कौर, क्लियर मैम, ओके ओके बेटा, क्लियर, यस मैम, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। कंडक्शन अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसका मतलब अब हम एक समराइज करते हैं कंडक्शन को, कंडक्शन कैसे हुआ, सबसे पहले फटाफट से बताओ, जल्दी से देखिए, यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, आपने नीचे फ्लेम जलाया और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है, तो इस कंडक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, और दो तीन कीवर्ड्स हैं कंडक्शन के जो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहला कंडक्शन का कीवर्ड ये है सॉरी कि कंडक्शन हमेशा ही, पहली बात तो पार्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, ओके, जो पार्टिकल जहाँ पर है वो वहीं पर रहने वाला है, पार्टिकल मूव नहीं करने वाला, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन के साथ वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और एंड सो ऑन, एंड तक चली जाएगी, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कॉन्टैक्ट होगा तब कंडक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई कॉन्टैक्ट किया नहीं और कंडक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल
कड़छी जो है, दोबारा मैं कड़छी वाला एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, या फिर तवे का एग्जाम्पल लेते हैं। रोटियाँ तो आप लोगों ने खाई ही होंगी मेरे हिसाब से। तो अगर हम रोटी की बात करें तो ऊपर तवा रखते हैं, नीचे फ्लेम है, ऊपर तवा है, तवा गर्म हो गया। कैसे गर्म हो गया? क्योंकि कंडक्शन हो रहा है वहाँ पर, कॉन्टैक्ट, जब भी कॉन्टैक्ट होगा। तवे के ऊपर आपने रखी रोटी और रोटी हो गई गर्म, क्योंकि रोटी जो है वो तवे के साथ कॉन्टैक्ट में है। रोटी सेकते टाइम आपका हाथ लग गया तवे पर, तो आपका हाथ जल गया, है ना, ऐसा होता है ना। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि कॉन्टैक्ट हुआ, तो जब भी कॉन्टैक्ट होगा हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर होगी तो कुछ भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो एनीवेज कॉन्टैक्ट इज कंपल्सरी इन कंडक्शन, रिमेंबर वन थिंग। तो जब तक कॉन्टैक्ट रहेगा तब तक कंडक्शन होगा, क्लियर है? तो इसका मतलब स्पून वाले एग्जाम्पल पे चलें दोबारा, स्पून का वाटर के साथ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट था, इसीलिए स्पून का एक एंड गर्म हुआ और दूसरा एंड भी गर्म हो गया, क्लियर है? तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कॉन्टैक्ट से, दैट हीट ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन, क्लियर? कंडक्शन, कंडक्शन में बस एक चीज देख लेनी, भाई कॉन्टैक्ट हो रहा है, हाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्या पार्टिकल मूव कर रहे हैं? नहीं, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। बस ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, इनको हम एंड में समराइज फिर से करेंगे, क्लियर है? तो आप खाना बनाते हैं, आप पैनकेक्स बना रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, है ना, तो हम कपड़े को प्रेस को जो जो हमारी आयरन होती है उसको हम ऊपर रखते हैं क्लोथ के, और फिर टच करके हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो टचिंग से कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसफर होता है कपड़े पर, और हीट ट्रांसफर होने के साथ साथ हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत स्मूथली प्रेस हो जाते हैं, क्लियर है? इज द थिंग इज क्लियर? फटाफट से बताते जाओ, आप बताते जाइए कि समझ आ रहा है। यस मैम, क्लियर, ओके। हरमनदीप कौर, क्लियर है? अगर आप बता देंगे, ओके। अंकित, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े, अब समझते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कंडक्शन तो समझ में आ गया, अभी दो और पढ़े हैं, तो अब पढ़ते हैं किसको? कन्वेक्शन को। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर, कहाँ पर? एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में हमने देखा था कि मैंने जो बाउल गर्म किया था उसके, मैंने आपको बोला था ऊपर हाथ लगा के देखना, मतलब हाथ रख के देखना जहाँ पानी है उसके ऊपर है। जब आप हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे भी हाथ जो है ना हीटअप हो रहा है, मतलब आपको भाप सी लगेगी ऊपर आती हुई, है ना। तो ये भाप सी जो है, यहाँ पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है यार। पार्टिकल्स नियर बाय द टॉप ऑफ द हॉट वाटर गेट्स हीट एंड देन मूव्स एंड ट्रांसफर द हीट टू द पाम। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज थ्रू कन्वेक्शन। ये ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन से होती है। तो पार्टिकल ऑफ एयर मूविंग, क्या सीखने को मिला? पार्टिकल्स आर मूविंग। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या फर्क हो गया? यहाँ पर पार्टिकल खुद मूव करता है और हीट को लेकर जाता है। पार्टिकल इज मूविंग, ओके। पार्टिकल यहाँ पर खुद मूव करता है और हीट को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे लेकर जाता है देखेंगे अभी। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी सी कैंडल आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए ये कैंडल घर पे जलाते हैं अक्सर, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली जाती है तो हम कैंडल जलाते हैं। और बचपन में तो इन्वर्टर नहीं होते थे, किसी के भी घर में नहीं होता था इन्वर्टर, तो हम कैंडल में ही जलाकर और फिर कैंडल को देखते थे और सोचते थे कि फ्लेम ऐसी ही क्यों होती है, फ्लेम इसी तरह से क्यों ऊपर की तरफ चलती रहती है, और हम फ्लेम को देखते देखते खो जाते थे, ऐसा होता था ना। तो ये फ्लेम ऐसी शेप की क्यों है, और फ्लेम किस आसपास, क्या कन्वेक्शन का क्या रोल है फ्लेम के साथ? कन्वेक्शन कहाँ से आ गया, इसको समझते हैं। फ्लेम का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है कि फ्लेम के आसपास बहुत सारी, पहले मतलब आपने एकदम से फ्लेम जलाई, आपने एकदम से कैंडल को जलाया, तो कैंडल के आसपास कोल्ड एयर थी। इनिशियली तो कोल्ड ही होगी ना, एकदम से गर्म थोड़ी हो जाएगी। पहले आप कैंडल जलाएंगे और उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्म होंगे। तो यहाँ पर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज एयर मॉलिक्यूल्स आर कोल्ड, अभी तो ये ठंडे हैं। अब हमारी कैंडल क्या है, कैंडल हमारी जल रही है। अब जब कैंडल जल रही है तो देखिए ये एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करने वाली है, हीटअप करने वाली है। तो अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स को हीटअप करेगी तो इस कैंडल से क्या होने वाला है, इस कैंडल से ये आसपास वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सारे के सारे हीटअप हो जाएंगे। ओके, तो फटाफट से इनको हीटअप कर देते हैं और इनको लाल बना देते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे हीटअप। ओके, अब हीटअप होने से क्या होता है,
हीट अप होने से ये मॉलिक्यूल्स के बीच का हीट अप होने से, ऑब्वियसली कोई भी अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल की, या फिर जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं, क्लियर है? तो वाइब्रेशंस आने के कारण क्या होगा, इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। अब भाई इनके बीच में गैप क्यों बढ़ा, सॉलिड्स के बीच में तो गैप नहीं बढ़ा था, हमने बोला अभी सॉलिड तो वाइब्रेट होता है, टकराता है और एनर्जी जो है नेक्स्ट को देता है, बट यहाँ पर तो आप कह रहे हो गैप बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कन्वेक्शन हमेशा कहाँ होता है, हमेशा कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में, क्लियर है? तो हमेशा कन्वेक्शन होगा फ्लूइड्स में। कंडक्शन कहाँ हुआ था, कंडक्शन कहाँ हुआ था, ये कौन सी रॉड ली थी आपने, कंडक्शन हुआ था सॉलिड्स में, है ना? तो यहीं से हम ऐड करते जा रहे हैं हमारे की पॉइंट्स, सॉलिड्स में, सॉलिड्स में क्या होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होगा फ्लूइड्स में। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड मीन्स कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। अब फ्लो क्या क्या कर सकता है, मुझे जल्दी से बताइए, फ्लो क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकती हैं, फटाफट से बताइए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकती हैं? हाँ जी, वाटर फ्लो कर सकता है, वेरी गुड। वाटर को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। वाटर के अलावा बहुत सारी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, ऑयल फ्लो कर सकता है, ओके वेरी गुड। तो हम इसको वो कर देते हैं ना, जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज करके बता देते हैं कि भाई मिल्क, अच्छा चलिए, तो ये सारे लिक्विड की कैटेगरी में आ गए हैं ना, ये सब के सब लिक्विड की कैटेगरी में आ गए हैं, फाइन। अब और क्या फ्लो कर सकता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ मनीषा इंटेलिजेंट है, मेरे को भी पता है, आप मनीषा बताएगी फटाफट से कि लिक्विड के अलावा क्या फ्लो करता है, वाटर तो फ्लो कर रहा है, उसके अलावा हवा, हवा महसूस होती है फ्लो होती हुई, तो एयर, गैसेस भी बोल सकते हो आप, गैसेस फ्लो करती हैं, तो इसका मतलब जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है, जो भी चीज़ फ्लो करती है वो हमेशा फ्लूइड के कैटेगरी के अंदर आती है, अब वो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो। और जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स के पास ये प्रिविलेज होता है कि वो दूर दूर जा सकते हैं, सॉलिड के पास ये फैसिलिटी नहीं है, ओके? तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही आसानी से दूर दूर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वही पढ़ी है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी डेंसिटी है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम है तो मतलब डेंसिटी क्या है, कम है ऑब्वियसली, है ना? तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स लाइट हो जाते हैं। अब देखिए ये जो लाल वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट अप हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट अप हो गए हैं, और ये हीट अप होने के कारण ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और देखिए जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो ये क्या देते हैं, एक खाली स्पेस छोड़ देते हैं, ओके? तो यहाँ पर एक खाली स्पेस रह गया और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ओके? तो यहाँ पर मैंने भाई ऊपर बना दिए हैं सारे लाल मॉलिक्यूल्स, ये तो चले गए हैं सारे ऊपर, लाल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, हीट अप, हीटेड अप, सारे के सारे गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए। अब भाई यहाँ पर स्पेस रह गया, अब वो स्पेस कौन फिल करने वाला है, वो स्पेस फिल करने वाली है आसपास की ठंडी एयर, आसपास की कोल्ड एयर इस तरफ इस स्पेस को फिल करेगी, क्लियर? तो आसपास की कोल्ड एयर इस तरफ आ जाएगी और ये कोल्ड एयर जो है ये फिर से क्या हो जाने वाली है, बिकॉज ये आ चुकी है फ्लेम के पास और ये हो जाएगी फिर से गर्म, तो ये फ्लेम जो हॉट, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट अप, अगेन हीट अप हो जाते हैं, ये हीट अप होते हैं और फिर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। डेंसिटी बेसिकली यहाँ पर हो रहा है, डेंसिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कीवर्ड क्या आया है, डेंसिटी। कन्वेक्शन होता है जब डेंसिटी में डिफरेंस आता है, ओके? तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स एयर के गर्म होते चले जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, आसपास से ठंडे मॉलिक्यूल्स उस जगह को घेर लेंगे, और फिर वो गर्म होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और फिर आसपास से ठंडे मॉलिक्यूल्स उस स्पेस को घेर लेंगे। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से, फटाफट, एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर मैम, हरमनदीप कौर का जवाब उसी टाइम आ जाता है। चलो
अच्छी बात है, अगर आप क्लास में अटेंटिव हैं, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ने ही आए हैं, है ना? यहाँ पर आप पढ़ाई करने आए हैं, और जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए सुनील, हाँ जी, ओके बेटा, तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी स्पेस को घेर लेते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बता देती हूँ कि यही कारण है फ्लेम की इस शेप का। ये शेप फ्लेम की इसी वजह से होती है क्योंकि कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करते चले जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली ऊपर का मूवमेंट फ्लेम को ये शेप देता है। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है कन्वेक्शन के अंदर, डेंसिटी डिफरेंस के कारण हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, हॉट ऊपर कोल्ड नीचे, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, है ना? करंट, क्या होता है? कन्वेक्शन करंट। क्लियर? जब भी कोई मॉलिक्यूल फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं करंट। वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं तो बोलते हैं वाटर करंट। जब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसी तरह से यहाँ पर बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ओके, सो यहाँ पर इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ये किस कारण से आ रहा है? डेंसिटी डिफरेंस के कारण से आ रहा है, और ये होता किस में है? फ्लूइड्स में होता है। सो आई होप यहाँ पर आपको कन्वेक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कन्वेक्शन को समझना हो, सबसे पहले ये देखिए कि क्या पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है। पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब येस, दिस इज़ कन्वेक्शन, पहली चीज़। अच्छा, एग्जाम्पल में एक आप वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए नीचे आपने फ्लेम जला रखा है, ऊपर आपने गर्म पतीला रख दिया, ओके, तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होंगे, हल्के हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी तरह से तो पानी गर्म होता है। सारा पानी गर्म कैसे हो जाता है? खाली नीचे वाला पोर्शन गर्म क्यों नहीं रहता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस चलता है, और यहाँ पर हो रहा है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के कीवर्ड्स फटाफट से बता दो। पहला कीवर्ड है फ्लूइड्स में होगा। दूसरा कीवर्ड फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी दूसरा कीवर्ड बताओ फटाफट। दूसरा कीवर्ड क्या है कन्वेक्शन को समझने के लिए? जल्दी से बता दीजिए बेटा। दूसरा फ्लूइड्स में होगा, दूसरा है डेंसिटी डिफरेंस। ओके, डेंसिटी डिफरेंस जब भी होगा तो हमेशा कन्वेक्शन होगा। ओके, और इसके कारण क्या होगा? कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हीटिंग मोड का। तो अब ये दूसरे हीटिंग मोड हमने पढ़ लिया है, कि दूसरा हीटिंग मोड हमने क्या पढ़ा, कि अगर आप कैंडल फ्लेम के ऊपर हाथ रखेंगे तो भी आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि कन्वेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हीटिंग या हीट ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन से। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि रेडिएशन है। ओके, तो रेडिएशन पढ़ने के लिए फिर से देखते हैं, उस बाउल को उठा के लाइए फटाफट से जो आपने बालकनी में रखा था। बालकनी में जो बाउल आपने रखा था, हमें पता है कि वो बाउल जो है वो गर्म हो चुका है, उसका पानी गर्म हो चुका है, और वो कैसे गर्म हुआ? अब देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब सॉलिड की बात नहीं हो रही, फ्लूइड की बात नहीं हो रही, मतलब जब कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है, तो कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है? रेडिएशंस के थ्रू। क्लियर है? तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है रेडिएशंस से। फाइन, जब मीडियम नहीं होगा तो रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हीट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट ट्रांसफर टू द नॉर्मल वाटर इन द बाउल एंड इट गेट्स हीटेड। हेयर नो मटीरियल मीडियम। देखिए, कोई मटीरियल मीडियम नहीं था भाई। कोई ऐसा थोड़ी था कि आपने सन से जो है, सन या सन डायरेक्टली नीचे आया, सन ने टच किया बाउल को और फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हुआ ना। सन वहीं बैठे हैं बहुत ऊपर, और वहीं से वो क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है किसको? हमारे बाउल को। कैसे? थ्रू रेडिएशंस। तो रेडिएशंस क्या का पहला कीवर्ड आ चुका है, आपको पता भी नहीं चला। कौन सा? नो मीडियम रिक्वायर्ड। नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो इसका मतलब जब भी रेडिएशन के थ्रू हीटिंग हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है रेडिएशन से, तो आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? इसी वजह से तो क्या होता है, इसी वजह से तो सन की एनर्जी अर्थ को मिलती है और अर्थ हीट अप हो जाती है।
क्लियर। तो इसी वजह से हमारी जो अर्थ है वो हीट अप होती रहती है। और रेडिएशंस, अब कौन सी रेडिएशंस है यहाँ पर, बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और ये रेडिएशन आकर क्या करती है, बॉडीज़ को गर्म करती है। क्लियर है। हर बॉडी जो है वो, अगर आपने कोई भी बॉडी को रखा है, तो हर बॉडी जो अपने आसपास से एनर्जी को गेन करती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर रेडिएट करती है। तो आपको रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन सब तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा कीवर्ड ये है कि यहाँ पर कौन ट्रेवल करता है, कौन उठाकर लाता है हीट को, वेव्स। ओके, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई टचिंग कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर वेव्स हैं, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर कीवर्ड्स आ चुके हैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड एंड वेव्स। ओके, चलिए अब फटाफट से एक एग्जांपल में देख लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। ये एग्जांपल है, चाय बन रही है, पानी गर्म हो रहा है, वट एवर। इसमें तीनों आपको क्या दिख जाएंगे, तीनों आपको दिख जाएंगे हीट ट्रांसफर के मेथड्स। तो कॉमन चीज़ क्या है तीनों में, तीनों है हीट ट्रांसफर मेथड्स, हीट ट्रांसफर मेथड्स। क्लियर है। तो ये तीनों है हीट ट्रांसफर मेथड्स, चाहे कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो। अब डिफरेंस देख ले फटाफट से। मैंने आपको बताया था कंडक्शन का कीवर्ड कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ये भाई मान लो ये बहुत ही गरम गरम कोई आपकी प्लेट है, हॉट प्लेट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्शन, पानी पूरा गर्म हो गया मेरा। पानी कैसे पूरा गर्म हो गया, पानी पूरा गर्म इसलिए हो गया है क्योंकि कन्वेक्शन हो रहा है। कैसे, नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, वो उनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे तो हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते ही कोल्ड मॉलिक्यूल्स इनका स्पेस ले लेंगे। तो देखिए कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, तो यहीं पर कन्वेक्शन भी चल रहा है। अब मान लीजिए आपने अपना पाम यहाँ पर रखा है इस पतीले के बगल में, तो क्या आपको गर्म लगता है, बिल्कुल लगता है ना। बॉन फायर, कभी आप आग वाग जलाकर बैठे हैं जंगल में, या लोहड़ी होती है सरदारों के, है ना, तो सरदारों का एक फेस्टिवल होता है सरदारों में, दैट इज़ लोहड़ी। लोहड़ी में वो जलाया जाता है, वो ये बॉन फायर टाइप का ही होता है, वहाँ पर आग जलाई जाती है और उसके बगल में बैठा जाता है, ऊपर भी है साइड में भी है। तो जो साइड में हीटिंग आ रही है वो आ रही है रेडिएशन से, ऊपर जो हीटिंग आ रही है वो आ रही है कन्वेक्शन से। और आप क्या करिए, एक लोहे की रॉड लीजिए और उससे टच कर दीजिए फ्लेम को, तो रॉड जो है वो आपकी गर्म हो जाएगी, दैट इज़ ड्यू टू कंडक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। अब लास्ट में मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले कन्वेक्शन का प्रैक्टिकल, कंडक्शन का तो ऐसा सच कुछ बताने की बात नहीं है, खुद पता है आपको कि आप खाना गर्म कर रहे हैं तो कंडक्शन है, रोटी सिक रही है, कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में, अगर प्रेस मैंने आपको बताया, आयरनिंग अगर आप कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो वो भी कंडक्शन है। क्लियर है। कन्वेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, तो कन्वेक्शन के एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है विंड ब्लो का। हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, आज बहुत तेज हवा चल रही है, आज कम धीरे 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 हवा चल रही है, या हवा चल क्यों रही है। बेसिकली हवा इसलिए चलती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। बिल्कुल, डेंसिटी डिफरेंस ही है यहाँ पर भी कारण, और डेंसिटी डिफरेंस मतलब कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ही होता है। सन से जो है हीट एनर्जी धरती पर आती है, और जो हमारी एयर है वो हीटअप हो जाती है, हीटअप होकर वो ऊपर उड़ जाती है, तो नीचे का स्पेस खाली हो गया ना, और उस खाली स्पेस को किसने अब फिल करना है, वो डेंसिटी वाली, हाई डेंसिटी वाली कोल्ड एयर उसको आके फिल करेगी। क्लियर है। तो जब ये एयर आएगी तो आपको क्या लगेगा, हवा, विंड ब्लो कर रही है, हवा जो है वो बह रही है। क्लियर। और एग्जाम्पल ले कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है एसी। सबके घरों में एसी है, सबके घरों में होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं अगर आपके घर में एसी नहीं, बट एसी के बारे में सुना तो सबने है ना। तो एसी जो है वो भी किस पे काम करता है, कन्वेक्शन। आपने देखा होगा ठंडी हवा नीचे नीचे रहती है ना, आपको बोला जाता है कि जब एसी चलाओ ना भाई, फ़ैन मत चलाना साथ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता है कि फ़ैन ऊपर से जो गर्म हवा फेंकता है, फ़ैन गर्म हवा क्यों फेंकता है, फैन मत चलाओ, फैन बंद कर दो, गर्म हवा आ रही है, सिर्फ एसी चलाओ, कूलिंग बहुत शानदार रहने वाली है। ऐसा क्यों, या फैन चलाते भी है ना तो साइड फैंस चला लेते हैं, ऊपर वाला फैन जो, वो पता है हमारा जो ऊपर फैन लगा होता है हम उसको नहीं चलाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
जो भी कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाती है, हॉट एयर ऊपर चली जाती है, और जब हॉट एयर ऊपर चली जाती है तो जब आप ऊपर वाला फैन चलाएंगे जो रूफ पर लगा है, तो वो ऊपर से हवा को नीचे फेंकेगा और वो गर्म हवा नीचे आ जाएगी दोबारा। क्लियर है? तो इस वजह से ये एक एग्जाम्पल हो गया है अगेन कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन मतलब जो हीटिंग ही जो आप बोल सकते हैं गर्म हवा है ऊपर चली जाएगी और जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी। ओके, और हम तो जब एसी की बात करें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि गर्म हवा ऊपर जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी हवा नीचे हमको मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेशन में भी कन्वेक्शन होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको। आप ये आपका काम है, आपको ढूंढना है कि भाई कहाँ कहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भी जितने भी आपके, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था बॉन फायर का, तो आसपास जो हीटिंग आपको फील हो रही है वो रेडिएशन से हमें फील होती है हीटिंग। और रेडिएशन के एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर खाना कुक हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट है भाई, लेकिन वो कैसे हो रहा है कुक? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। वहाँ पर कौन सा आग जला दी अपने, है ना? अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, अगर आपने इंडक्शन प्लेट को कभी यूज़ किया हो, तो आपने अगर कभी इंडक्शन प्लेट यूज़ की है और उसके ऊपर आपने रखा है बर्तन, तो बर्तन का दूध तो उबल जाएगा, पर इंडक्शन प्लेट गर्म नहीं होती। इंडक्शन प्लेट क्यों नहीं गर्म होती? क्योंकि एक्चुअल में वो हीटअप नहीं हो रही है, वो रेडिएशंस भेज रही है, और वो रेडिएशंस के कारण हमारा खाना जो है वो गर्म हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ाया आज? हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स पढ़ लिए हैं हमने, हीट ट्रांसफ़र के मेथड पढ़े हैं, तीन मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए, अगर ये क्लियर है तो फटाफट से जो एक्टिविटी आपने की थी उसके प्रिकॉशंस थोड़े से देख लेते हैं। कीवर्ड्स पहले यहाँ लिख लें फटाफट से। कंडक्शन का कीवर्ड है कौन सा? सबसे पहला है सॉलिड्स में होगा। दूसरा कंडक्शन का कीवर्ड क्या था? जल्दी से बताओ, फटाफट से सोचो सोचो सोचो, फटाफट से बता दो। दूसरा कंडक्शन का कीवर्ड क्या होगा? पहला तो है ये सॉलिड्स में होता है, दूसरा कंडक्शन का कीवर्ड था कॉन्टैक्ट। क्लियर है? जब भी कॉन्टैक्ट होता है तो कंडक्शन होता है। तीसरा कंडक्शन का कीवर्ड क्या था? जल्दी से बताइए फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट। तीसरा कंडक्शन का कीवर्ड था कि पार्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, नो पार्टिकल मूवमेंट। क्लियर? चलिए, अब ये तो हो गए हमारे कंडक्शन के तीन कीवर्ड्स। कन्वेक्शन के कीवर्ड्स शुरू करते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से बताते जाइए, फटाफट से बताइए। कन्वेक्शन का कीवर्ड, पहला कन्वेक्शन का कीवर्ड था डेंसिटी। जब भी डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो पार्टिकल मूवमेंट होगा। तो दूसरा कंडक्शन का कीवर्ड क्या आ गया है? पार्टिकल मूवमेंट। क्लियर? चलिए, और तीसरा कंडक्शन का कीवर्ड है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में पार्टिकल मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, मूव करके डेंसिटी, जो जिनकी डेंसिटी कम है, लेस डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स आकर उनको रिप्लेस कर लेते हैं। क्लियर है? रेडिएशंस जो है, इसका पहला कीवर्ड था नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम नहीं चाहिए आपको। क्लियर? और दूसरा कीवर्ड था वेव्स। रेडिएशन होता है वेव से, रेज बोल सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, IR, बस, वेरी गुड हरमनदीप कौर, वेव्स। तो अगर आप हीटिंग की बात करते हैं तो वेव्स या रेज से जो हीटिंग हो रही है दैट इज थ्रू द रेडिएशन। क्लियर है? तो फटाफट से बता दो कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, सब समझ में आ गया है। अगर क्लियर है तो अब समराइज कर लेते हैं फटाफट से, क्या के क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसी बड़े पर्सन के अंडर ही, सुपरविजन में ही आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। बेसिकली यही है कि हॉट चीज़ों से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो आपको हाथ वाथ ना जल जाए, बेसिकली यही होता है। अभी कहीं कुछ भी हॉट चीज़ों को हैंडलिंग, हॉट चीज़ों की हैंडलिंग बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है, दैट इज़ वाई। दूसरी चीज़, जो पाम का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि हॉट वाटर के ऊपर आप अपने पाम को रखेंगे, तो पाम को थोड़ा सा दूर रखिए, बहुत पास नहीं रखना है, और इतना दूर रखिए कि आप उस हीट को बियर कर पाएँ। ये ना बहुत पास रख दिया और बाद में हाथ जल गया, बाद में बैठे हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं बाम्स वगैरह कि भाई हाथ जल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आपने जो भी ये चीज़ सीखी है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मम्मा को या जो भी आपके दोस्त हैं आप उनको बताएंगे कि भाई आज हमने सीखा है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, और तीनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका है कीवर्ड्स की हेल्प से। क्लियर है?
दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट एक्टिविटी. तब तक इंस्टा सॉल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि अगली बार इससे बढ़िया क्लास लेकर आएंगे और अच्छे कंसेप्ट्स को समझाएंगे. क्लियर है? तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. गाइस थैंक यू.